नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा जिले से फिर एक बार प्रकृति की मार ने फिर तोड़ी अन्नदाता किसानों की कमर। वहीं पहले ही सोयाबीन की फसलों में तना छेदक इल्लियों के प्रकोप से किसान अभी उभरे भी नहीं थे और कि शुक्रवार देर शाम को भारी बारिश के कारण किसानों की कटी फसलें बर्बाद होकर पानी में तैरती नजर आ रही हैं। किसान दीपेश पटेल ने बताया कि दो दिन पहले ही मैंने अपने 10 एकड़ भूमि पर लगी सोयाबीन की फसल कटवाई थी और शुक्रवार शाम को 2 घंटे की भारी बारिश के चलते मेरी सारी फसल पानी में तैरती नजर आ रही है। साथ ही साथ सोयाबीन की कटी फसलों पर बारिश की वजह से सोयाबीन अंकुरित हो रही है। कृषक मुकेश मालवीय ने बताया कि मेरी 20 एकड़ कृषि भूमि पर सोयाबीन की फसल लगी हुई है। हम किसान तनाछेदक इल्लियों व बारिश की मार से बाहर आए नहीं कि फिर बारिश के चलते फसलें पानी में डूब गईं। पहले से ही तनाछेदक इल्लियों ने हम किसानों के 80% सोयाबीन की फसल को बर्बाद कर दिया था और अब बची सोयाबीन भारी बारिश ने पानी फेर दिया। कटी फसलें पुनः अंकुरित होकर खराब हो रही हैं। खबर समय जगत के लिए खंडवा से रिपोर्टर सुभाष जत्ताप के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।